नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में जिसे आप बैल्कोनीज पे हैंग कर सकते हो, मतलब हैंगिंग प्लांट्स के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जिसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब आप इसको फुल सनलाइट पे ना भी रखो तो भी प्लांट्स बहुत ही अच्छे से आपके बैल्कोनीज पे ग्रो हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट्स कीजिए, उसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जो प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यह है वांडरिंग जियो। बहुत ही सुंदर से कलरफुल लीव्स है इसका, देख सकते हैं आप। इसके लीव्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप बस इसके कटिंग ले के सिर्फ सैंड या फिर सॉइल के अंदर लगा दो तो ये प्लांट आराम से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप इसको शेड पे रख सकते हो जहाँ पर दिन भर की 1 से 2 घंटे की धूप मिले और आप इसको हैंग कर सकते हो बैल्कोनीज पे। तो दोस्तों, ये बेस्ट हैंगिंग प्लांट है और देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं इसे। आप हफ्ते में एक बार वाटरिंग कर सकते हो तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होते रहेगा। बेस्ट हैंगिंग प्लांट के लिस्ट पर यह है सिंगोनियम, एक प्लांट, इसको भी आप हैंगिंग कर सकते हो। ग्रीन सिंगोनियम है ये, एक वाइन टाइप प्लांट है, बहुत ही लंबा हो जाता है और कटिंग से बहुत ही अच्छे से मल्टीप्लाई हो सकता है। इसे भी आप छोटे से छोटे पॉट के अंदर आप हैंग कर सकते हो आपके बैल्कोनीज पे जहाँ पर दिन भर की 1 से 2 घंटे की धूप मिले। दोस्तों, मैं इसको फुल सनलाइट पर हैंग करके रखा हूँ और मैं हफ्ते में इसको 2 बार वाटरिंग करता हूँ तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। इसके कटिंग आप पूरे साल भर लगा सकते हो और इसके ग्रोथिंग पीरियड पूरे साल भर होता है, तो किसी भी समय आप इसके कटिंग लगा सकते हो और आपके बैल्कोनीज पे हैंग कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्लांट आपके सामने है यह है गोल्डन पोथोस, मतलब मनी प्लांट। इसको भी आप हैंग कर सकते हो आपके बैल्कोनी पे या फिर रूफटॉप के ऊपर भी आप इसको हैंग कर सकते हो। ये भी एक वाइन टाइप प्लांट है, बेहद खूबसूरत इसके जो लीव्स के कलर है, इसको आप थोड़ी सी केयर करो तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से आपके बैल्कोनीज पे ग्रो हो सकते हैं। ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसको, आप दिन भर की 1 से 2 घंटे की अगर धूप दे सकते हो इसे तो इसे भी आप आपके बैल्कोनीज पे हैंग करके रख सकते हो। दोस्तों, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ता है और ज़्यादा वाटरिंग की भी इसे ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप हफ्ते में 2 बार इसको वाटरिंग करो अच्छे से तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होता रहेगा पूरे साल भर। मेरे पास 2 मनी प्लांट है और दोनों का ही ग्रोथ बहुत ही अच्छे से अभी चल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्लांट है यह तोरुलता, मतलब साइप्रस वाइन। ये भी एक हैंगिंग प्लांट है, हालांकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन आप इसको हैंग कर सकते हो। हालांकि ये एक सीजनल प्लांट है, सिर्फ बरसात के महीने में, मतलब मई से अप टू सितंबर अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद प्लांट्स मर जाते हैं, लेकिन इसके सीड्स आप कलेक्ट करके रख सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर सा एक हैंगिंग प्लांट है, आप इसको बैल्कोनीज पे जहाँ पर दिन भर की 3 से 4 घंटे की धूप मिले ऐसे जगह पर आप रख दो तो ये आपके ये प्लांट बहुत ही अच्छे से आपको फ्लावरिंग देता रहेगा और इसे ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप अगर बैल्कोनीज पे रखते हो तो हफ्ते में 2 बार इसको वाटरिंग किया कीजिए तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्लांट आपके सामने है इसे कहते हैं स्पाइडर प्लांट। हालांकि मैं इसको हैंग तो नहीं किया हूं लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर सा एक हैंगिंग प्लांट है। इसके जो लीव्स के कलर के जो शेड है देखिए बेहद खूबसूरत है, येलो और ग्रीन शेड्स पे आते हैं ये। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय के अंदर ये मल्टीप्लाई होते हैं, एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं बहुत ही कम समय के दौरान। दोस्तों, इसको भी आप छोटे से छोटे पॉट के अंदर हैंग कर सकते हो, ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप बैल्कोनीज पे जहाँ पर दिन भर की 2 घंटे की धूप मिले ऐसे जगह पर आप इसको रख दो तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट जो प्लांट आपके सामने है इसे कहते हैं पर्पल हार्ट।
इसके भी कलर्स जो है बहुत ही रंगीन होते हैं। देखिए पर्पल कलर के लीव्स होते हैं इसके। हैंगिंग कर सकते हो इसे आप बैल्कनीज पे, और इसमें फ्लावरिंग भी होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे प्लांट पे अभी फ्लावरिंग हो रहे हैं। इसके कलर देखिए बहुत ही सुंदर है, पिंक कलर के फ्लावरिंग होते हैं इस पे। दोस्तों इसको आप आपके बैल्कनीज पे हैंगिंग कर सकते हो जहाँ पर दिन भर की 1 से 2 घंटे की धूप मिले, और ये भी कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपको हफ्ते में 1 से 2 बार वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसको फुल सनलाइट पे रखोगे तो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे प्लांट फुल सनलाइट पे है, और इसको मैं एक 6 इंच पॉट के अंदर रख के हैंग किया हूँ, तो बहुत ही अच्छा ये हैंगिंग प्लांट के रूप में आपके बैल्कनीज की शोभा बढ़ा सकता है। मेरे लिस्ट पे लास्ट जो हैंगिंग प्लांट है वो है मॉस रोज़, या फिर पोर्चुलिया के नाम से भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है ये, फ्लावरिंग प्लांट है। समर सीज़न और बरसात के सीज़न में बहुत सुंदर से फ्लावरिंग करते हैं, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ते है, सुबह के वक्त ये फ्लावरिंग करता है। जहाँ पर दिन भर की 2 से 3 घंटे की धूप मिले वहाँ पर आप इसको ग्रो कर सकते हो। बेस्ट हैंगिंग प्लांट है ये, जिसे आप बैल्कनीज पे भी ग्रो कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है इसे, आप हफ्ते में 2 बार वाटरिंग करें तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से आपके फ्लावरिंग करता रहेगा। दोस्तों कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये, आप बस इसका एक स्टेम ले कर सैंड के अंदर लगा दो तो ये प्लांट एक से बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कुछ हैंगिंग प्लांट, बेस्ट हैंगिंग प्लांट जिसे आप बैल्कनीज पे ग्रो कर सकते हो और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप 2 महीने में एक बार इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हो, मास्टर के लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर आप भर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो। दोस्तों ये पेस्ट फ्री प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसलिए इसे ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। आप इन सब पौधे को ऐसे जगह पर रख सकते हो जहाँ पर दिन भर की 2 घंटे की धूप मिले, तो वहीं पर इसकी ग्रोथ अच्छे से चढ़ता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।